प्रायोजित फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर कॉलेज रोड रीवा, नेशनल अस्पताल और कैंसर रिसर्च सेंटर नया बस स्टैंड रीवा और उत्सव राजविलास। शादी बारात के लिए रीवा की सर्वश्रेष्ठ जगह धोबिया टंकी रीवा। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। नव निर्मित जिले मऊगंज में भी आज सुबह से प्रत्याशियों के पर्चा दाखिल करने का सिलसिला जारी रहा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने एक बार फिर से देवतालाब से पर्चा दाखिल किया। सुनिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा सवाल जनता के सामने है, यदि जनता को ऐसा लगता है कि हमने जो कहा है हमने किया है, विकास की गाथा हमने लिखने का काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बात पर विश्वास करती है। आप कहीं पूछेंगे तो कहेंगे कि काम हुआ है, और सबसे बड़ा विश्वास नेता का यही हो सकता है जनता, और जनता उस पर विश्वास कर रही है। अगली बार कुल मिलाकर के और जो बचे हुए काम उनको पूरा करने का प्रयास करूँगा। जो काम की बात करते जनता मानती कि आएंगे तो करेंगे। ना, इसमें चाचा भतीजे का कोई प्रश्न नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। हम कांग्रेस के विरोध में, हम व्यक्ति के विरोध में नहीं हैं, और हम उस कांग्रेस की विचारधारा के विरोध में जो कांग्रेस की विचारधारा इस बात का समर्थन करती है कि देश में डेंगू कहने वाले सनातन धर्म को, कोरोना कहने वाले, एड्स कहने वालों के साथ खड़ी हुई कांग्रेस की विचारधारा, हम उसका विरोध करते हैं। हम उसका उस विचारधारा का विरोध करते हैं जो हमास के समर्थन में खड़ी होती कांग्रेस दिखाई पड़ती है। आतंक हमास को आतंकवादी मानने को तैयार नहीं है जो विचारधारा, उस विचारधारा के विरोध में है। जो विचारधारा तुष्टीकरण की राजनीति देश के भीतर करती है, हम उसके विरोध में है। इसमें कोई व्यक्ति का सवाल नहीं है, ना कोई परिवार का सवाल है, ना हम इंडिविजुअल हैं, हम भी कोई इंडिविजुअल नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। नहीं, हमेशा एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, हम कभी भी विकास को पूर्णता नहीं मानते। जिस दिन हम ये मानेंगे कि सारा काम हमने कर दिया, शायद उस दिन हमारा काम समाप्त हो जाएगा। इसलिए काम निरंतर जारी रखना चाहिए, जब तक जी चले तब तक करते रहना चाहिए। ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।